हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज षष्ठी इवनिंग एंड अभी बज रहा है ऑलमोस्ट रात का 8:30 एंड नाउ वी हैव कम इन द पंडाल। और अभी हम लोग ने एंट्री किया है, तो पहले चलते हैं दुर्गा माँ से मिलने और फिर देखते हैं यहाँ पे स्टॉल में क्या क्या है। तो आज आप लोग के वोट के हिसाब से मैंने पहना है ये वाला साड़ी और फुल लुक के लिए अभी मैं पकड़ाती हूँ कैमरा हबी को, फिर देखिए कि मैंने कौन सा वाला पहना है। Says it all. We have some lovely variations of food in our stalls the other side. The likes of Nazir's. आज है नेक्स्ट डे और कल हम लोग लौटे थे ऑलमोस्ट 11 o'clock इन द नाइट, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे और प्रोग्राम्स और भी थे जो अभी सुबह उठ के देख रही हूँ कि 1:30 बजे तक चला प्रोग्राम, बट इतना लेट थोड़ा मुश्किल होता है विथ हिया। और ख़ासकर अभी ये भी बात है कि थोड़ा थोड़ा ठंड भी पड़ने लगा है, तो ये भी डर लगता है कि तबीयत भी ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट नेवरदलेस मेन रीज़न ये भी था कि हबी को षष्ठी एज वेल एज आज सप्तमी को भी उनको वर्क है, तो इसलिए हम लोग को उतना निकलना भी नहीं हो पाया था। तो कल भी हम लोग थोड़ा लेट ही निकले थे, तो मैं दिन भर तो थोड़ा टीवी में बड़ा इन्जॉय कर रही थी मैं प्रोग्राम देखी, क्योंकि इस वक्त सारे बंगाली चैनल्स में इतना अच्छा कवर करते हैं दुर्गा पूजा कि वो देख के ही काफ़ी अच्छा लगता है। फर्स्ट डे था तो इट वॉज बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग आता है जब आप फर्स्ट टाइम दुर्गा माँ का सामने से देखो, या फिर ये जो सेलिब्रेशन है जब सामने से विटनेस करो, तो आई डू नॉट नो, मुझे तो बहुत ही इमोशनल लगता है। और बाकी लोगों को भी आसपास देख के कि सब कितना खुश है, सब कितना इन्जॉय कर रहे हैं, या फिर बहुत एक भक्ति भाव है हर तरफ यहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स में। नवरात्रि का भी बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, हर तरफ आसपास से वही भक्ति संगीत सुनाई दे रहा है, माइक वगैरह चल रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, या फिर आई शुड से अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी लाइवली फीलिंग आता है जब इस तरह के सेलिब्रेशन होता है। तो जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया है, मैंने लिखा है कि हबी ने किया षष्ठी के दिन एक बहुत बड़ा धमाका, तो वही मैं आपको साथ अब शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं दिखाती हूँ उसके बाद बोलूँ। हुआ ये कि कल वो लौटे अराउंड 4:30 to 5 के बीच लौट के आए थे काम से, तो मुझे तो फ़ोन में कुछ नहीं बताया, बट ऐसे पूछ रहे थे कि आज तो षष्ठी के दिन नया पहनना चाहिए, क्योंकि हाँ हम लोग में एक रिवाज है कि कुछ ना कुछ नया ज़रूर पहनना चाहिए षष्ठी के दिन।
तो मैं तो क्योंकि साड़ीज पहन रही थी तो ऑब्वियसली वो तो न्यू नहीं थे, तो ही वॉज मुझे बोला तुम फिर नया क्या पहनोगे। तो मैंने कहा क्यों, मैं एक आध ड्रेस पहन लूँ घर में जो कि मेरे पास नया है, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब साड़ी हर बार लेना ही है, क्योंकि खासकर वो तो साल भर पड़ा ही रहता है अलमारी के अंदर, उतना पहनना भी नहीं होता है। और मेरे पास न्यू ड्रेसेस है बट ड्यूरिंग पूजास वेस्टर्न ड्रेसेस मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है, तो फिर सेट की नहीं, फिर तो हम लोग सब नया पहनेंगे, तुमको भी कुछ नया पहनना चाहिए। तो मुझे उतना समझ में नहीं आया फ़ोन में कि ऐसा क्या बोल रहे हैं, और अब मैं दिखाऊँ कि एक्चुअली वॉट ही वॉज मीनिंग और वॉट ही वॉज डूइंग बिफोर कमिंग होम, और वो है ये। दिल्ली में कनॉट प्लेस सीपी में है नल्लीज का एक शोरूम, और मैं जब कैलकटा जाती थी तब तो वहाँ से ले लेती थी, मतलब ही यूज़ टू बाय, या फिर कभी अगर हबी बाहर गए हो आउट ऑफ टूर इनटू अदर स्टेट तो वहाँ का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होता था तो वो वहाँ के गवर्नमेंट शॉप से ले आते थे। बट जब से मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली NCR में, और कभी मैं जा नहीं पाती थी कैलकटा, तो मैं हमेशा प्रेफर करती थी नल्लीज से ही साड़ी लेना, तो चुपचाप पीछे से खुद अकेले चले गए बिना कुछ बताए और वहाँ से ले आए हैं दो साड़ीज, और मेरे सर पे पड़ा है हाथ, क्योंकि साड़ी तो साड़ी नहीं, अगर साड़ी आता है तो आपको उसको पीको फॉल करना पड़ता है, फिर आता है ब्लाउज़ क्या पहनो, क्योंकि एक दो दिन के अंदर तो क्या अभी ब्लाउज़ बहुत जल्दी मिलना मुश्किल भी है बना के, क्योंकि टेलर तो इतना जल्दी बना के नहीं देने वाला, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाला, तो ऑब्वियसली दिवाली के लिए भी लोग ऑलरेडी ऑर्डर्स डाल चुके होंगे। तो सेकंड है ब्लाउज़ क्या पहनो, और उसके ऊपर एक और टेंशन रहता है कि उसके साथ एक्सेसरीज मैच करना। तो मैं आई वॉज लिटरली वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज बट देन इन टू डीप थाट ऑल्सो कि हाउ विल आई मैनेज थिंग्स। तो अभी तक मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करूँगी, बट मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हाँ अच्छा तो बहुत लगा षष्टि के दिन ऐसे हबी अचानक से सरप्राइज उन्होंने दिया, और क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे जितने भी साड़ीज हैं हबी के ही पसंद के हैं, और उनका जो भी चॉइस है आज तक जितने भी मेरे पहचान वाले हैं दे ऑल गेट गागा या फिर ओवर इट बिकॉज ही रियली हैज़ गुड चॉइस। तो मैं आपको दिखाऊं कौन कौन सी साड़ी है, बट इस वक्त मैं खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ पता नहीं, क्योंकि मैं तो आपको शेयर कर चुकी हूँ कि मैं क्या क्या साड़ीज पहनूंगी, बिकॉज इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क बिफोर वेयरिंग अ साड़ी, तो फिर से सोचना फिर से प्लानिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसे बहुत ही अच्छे बॉक्सेस में आए, बड़े दिनों बाद ऐसे ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस में साड़ी वगैरह आके, मतलब इसे देखने भी अच्छा लगता है। आई रिमेम्बर जब हम लोग छोटे थे तो जो उस वक्त तो मॉल्स नहीं होते थे, तो हम लोग वो गारमेंट शॉप में जाते थे, तो वहाँ पे दे यूज़ टू गिव आर ड्रेसेस ऑल्सो पैक्ड इन दिस टाइप ऑफ बॉक्सेस, और मैं तो काफ़ी दिन तक उन बॉक्सेस को रखती भी थी, तो वो भी एक नॉस्टैल्जिक लगता है आजकल ये सब देखना। तो दिस इज द फर्स्ट साड़ी, ये है फर्स्ट साड़ी, मैं एक मिनट खोल के दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये है चंदेरी सिल्क, MP का चंदेरी सिल्क है ये, तो एक बहुत ही यूनिक रेड कलर है, अलॉन्ग विद इट किया हुआ है ऐसा गोल्डन थ्रेड वर्क, सारे फिर से हैंडलूम के ही हैं हाथ से काम किए गए, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब जनरली ये वाला कलर आप देखोगे ना तो सारे जो भगवान पहनते हैं माँ दुर्गा को इसी कलर के साड़ी ज़्यादा पहना जाता है, टिपिकल ब्लड रेड या फिर जो डार्क रेड है वो तो है ही, बट ये थोड़ा सा यूनिक रेड में है। तो अभी आप लोग समझ जाओ कि मेरे पास ज़्यादातर साड़ीज रेड में क्यों है, रेड या रेड रिलेटेड कलर्स, बिकॉज हबी को सबसे ज़्यादा साड़ीज मुझे इसी कलर पे देखना उनको अच्छा लगता है। ये है आंचल का साइड, ऐसा है बूटी बूटी थोड़ा सा, ये पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छा लगेगा, काफ़ी लाइट वेट है चंदेरी साड़ीज का, यही स्पेशलिटी है दैट दीज आर वेरी लाइट वेट साड़ीज, बट या अ लिटिल ट्रांसपेरेंट टू। अब मुझे सोचना है कि इसके साथ मैं कौन सा ब्लाउज पहनूं जो मेरे पास ऑलरेडी है, और मेरे पास एक चंदेरी ऑलरेडी है वो ब्लैक में है,
वो मैंने दिखाया भी था कि इस साल पहनूंगी, बड़ा पता नहीं ना, आई एम अगेन पजल्ड व्हाट टू डू। और ये है सेकेंड वन, ये है कुछ ऑरेंजिश एंड अगेन गोल्ड में है, पूरा काम पूरा भरा काम है, मतलब ये एक्चुअली बॉडी के ही साइड का है, पूरा ऐसे भरा भरा काम किया हुआ है। अच्छा पीछे से बोल रहे हैं सुबह लेटे लेटे जरी का काम है, दोनों ही जरी का ही काम है और गोल्डन थ्रेड से, बट ये है कोयम्बटूर सिल्क। ये मेरे पास एक भी नहीं है, मतलब आई डू नॉट हैव एनी कोयम्बटूर सिल्क, मेरे पास दूसरे साउथ सिल्क काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली मेरे पर्सनल चॉइसेस में अगर फेस्टिव सीजन के लिए पहनना हो तो आई एम टू फॉन्ड ऑफ कांजीवरम साड़ीज और वो काफ़ी सारे हैं, बट ये वाला नहीं था तो दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। और ये जरी ऑरेंज हल्का सा रेडिश मिला के है, ये वाला साड़ी उस साड़ी से थोड़ा सा हैवी है, ऑलमोस्ट डबल द वेट, बट वैसे उतना भी भारी नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी भारी साड़ी पहनने की आदत है। अगर अगर आप देखो तो बनारसी साड़ीज काफ़ी भारी होते, तो वो भी मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन है, मतलब शादी में तो दो बनारसी मिला ही था, बट उसके बाद भी अभी जब नए नए शादी होते मुझे काफ़ी सारे बनारसी तब भी गिफ्ट किया था, तो उस एज़ कम्पेयर टू बनारसी इट इज़ क्वाइट हल्का, काफ़ी लाइट वेट है, बट अदरवाइज थोड़ा सा उस साड़ी कंपेरिजन में लिटिल हैवी है, बट कंफर्टेबल रहेगा दैट आई एम श्योर ऑफ। तो ये सोच रही हूँ अष्टमी के रात को पहनूँ, पता नहीं यही कुछ करना है, बट बहुत ही अच्छे लगे मुझे तो साड़ीज, बट अभी वही मेन प्रॉब्लम है कि पीको फॉल और ब्लाउज। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी एक अन्य दुर्गा पूजा व्लॉग में, तब तक के लिए शुभो सप्तमी एंड वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई लवली व्यूअर्स।